हेलो फ्रेंड्स, मैं निखिल कुमार बेदरेगा, फिर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सीजीपीएससी ई पाठशाला में। सीजीपीएससी ई पाठशाला में आज का हमारा टॉपिक है राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 यानी सूचना का अधिकार अधिनियम 2005। आज का हमारा यह वीडियो सूचना का अधिकार अधिनियम का आखिरी वीडियो है। इसके बाद नेक्स्ट जो भी वीडियो आएगा वो आपके एक नए टॉपिक पर होगा। टॉपिक कौन सा होगा आपको अगले वीडियो में पता चल जाएगा। साथ ही साथ इस सूचना का अधिकार अधिनियम से संबंधित पीडीएफ आपका अपलोड कर दिया गया है, जिस किसी को भी चाहिए उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में और साथ ही आपके कमेंट सेक्शन के पहले कमेंट में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। इस बार जो मैंने पीडीएफ बनाया है यह एक हैंड रिटन पीडीएफ है। चीज़ों को इजी तरीके से समझाने के लिए मैंने इस बार हैंड रिटन पीडीएफ बनाया है। इसमें आपका सारे के सारे सेक्शन कवर किए गए हैं, काफ़ी इजी वे में कवर किए गए हैं। साथ ही साथ लास्ट में आपका लगभग 35 क्वेश्चन का एक एमसीक्यू सेट यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न का सेट भी इसमें प्रोवाइड कराया गया है। देखिए, इस बार मैं सीएमओ का किसी प्रकार का टेस्ट सीरीज कंडक्ट नहीं कराने वाला। जो भी पीडीएफ आपको अवेलेबल करा रहा हूँ उस पीडीएफ के एंड में मैं उससे रिलेटेड एक प्रैक्टिस सेट या आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न का कुछ सेट बना बना करके देते जा रहा हूँ, तो आप उसी में प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। तो चलिए आज का हम टॉपिक शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है सूचना का अधिकार अधिनियम, जिसमें हम कवर करेंगे आपके सेक्शन 19 अपील, सेक्शन 20 पेनल्टी, सेक्शन 23 जो कि आपकी जुडिशरी पावर है इस एक्ट से संबंधित वो देखेंगे और कुछ उपधाराएं देखेंगे। देखिए सेक्शन नंबर 19 जो कि बताता है आपके अपील के बारे में। अपील देखिए, जब कोई व्यक्ति आरटीआई फाइल करता है यदि उसे किसी पब्लिक अथॉरिटी से उसे पर्टिकुलर एक जवाब नहीं मिलता है उसके बाद वो आरटीआई फाइल करता है। अब जब उसने आरटीआई फाइल किया, आरटीआई वो फाइल करता है किसी लोक सूचना अधिकारी के पास, लेकिन यदि उसे लोक सूचना अधिकारी के पास से भी उसे एक ऑथेंटिक आंसर नहीं मिल रहा, एक सफिशियंट आंसर उसे नहीं मिल पा रहा है, तब वो क्या करेगा? तब उसके पास एक और अधिकार मिल जाता है, उसे सेक्शन 90 के अंतर्गत राइट टू अपील, अपील करने का अधिकार। देखिए ये होता क्या है, सबसे पहले समझिएगा। मैंने आपको दो तीन चीज़ बताया था। पहले बताया था आपका पीआईओ, यदि आप आरटीआई फाइल करते हैं तो आरटीआई फाइल करने पर आपको पीआईओ कितने से दिन में जवाब देगा? पीआईओ जवाब देता है आपको 30 दिन के भीतर, ठीक। उसके बाद मैंने बताया था यदि किसी की जीवन से संबंधित यदि कोई आपका डिसीजन है या जीवन से संबंधित अगर कोई आप सूचना चाहते हैं तो उस कंडीशन में आपका ये होता है 48 घंटे के भीतर आपको जवाब मिल जाएगा, ठीक। और तीसरा मैंने बताया था थर्ड पार्टी, थर्ड पार्टी मतलब तृतीय पक्षधार, यानी कोई एक संस्था है वो दूसरी संस्था से यदि जवाब चाहता है तो उस केस में आपका 40 दिन के भीतर आपको उसका आपके एप्लीकेशन का रिप्लाई मिल जाएगा। इसमें एक और है, देखिए ये क्या है, पीआईओ के अलावा होता है एक और एपीआईओ। मतलब देखिए, पीआईओ मतलब लोक सूचना अधिकारी, एपीआईओ मतलब सहायक लोक सूचना अधिकारी। ये जो लोक सूचना अधिकारी से नीचे का पोस्ट है यानी लोक सूचना अधिकारी की सहायता के लिए होता है एक एपीआईओ यानी सहायक लोक सूचना अधिकारी। यदि आप सहायक लोक सूचना अधिकारी के पास आरटीआई फाइल करते हैं तो ये जो आपका 30 दिन में जवाब दे रहा था पीआईओ, एपीआईओ जवाब देता है आपके 35 दिन में। देखिए इसे अलग से याद कीजिएगा, एपीआईओ कितने दिन में जवाब देता है? 35 दिन में। हमने ये तीन कवर किया है, पीआईओ, जीवन संबंधित और थर्ड पार्टी वाला, एपीआईओ को अलग से याद कीजिएगा, ठीक है। यहां लिख देता हूं एपीआईओ, ये जवाब देता है आपके 35 दिन में, ठीक है। बाकी जो मैंने हमने कवर किया है उसे पिछले वीडियो वाले को उसे याद रखिएगा अलग से, ठीक। देखिए अब राइट टू अपील होता क्या है, ये कोई व्यक्ति है, कोई व्यक्ति ने आरटीआई फाइल किया किसी संस्था के अगेंस्ट। अब उसे उसने जो आरटीआई फाइल किया उसने आरटीआई फाइल किया एपीआईओ के पास, एपीआईओ मतलब आपका सहायक लोक सूचना अधिकारी के पास उसने आरटीआई फाइल किया। अब देखिए, या तो वो उसके जवाब देगा या तो वो जवाब नहीं देगा। जवाब नहीं देगा तो जवाब नहीं देगा मतलब वो उसके आरटीआई फाइल को रिजेक्ट कर देगा, आरटीआई के लिए जो उसने आवेदन किया उसे वो रिजेक्ट कर देगा या फिर रिप्लाई ही नहीं करेगा। देखिए एपीआईओ कितने दिन में रिप्लाई करता है, वो करता है 35 दिन में। मान लीजिए उसने 35 दिन तक रिप्लाई ही नहीं किया या इसने रिजेक्ट कर दिया, आपने आरटीआई फाइल किया और 7 दिन के अंदर ही उसने आपके आरटीआई को रिजेक्ट कर दिया, तो उस केस में आपके पास एक नया अधिकार आ जाता है, राइट टू अपील, अपील करने का अधिकार, जो है आपका सेक्शन नंबर 19।
देखिए सेक्शन नंबर 19 क्या बोलता है, यदि आप किसी अधिकारी के पास आप आरटीआई फाइल करते हैं और उससे उसके द्वारा लिए गए निर्णय से आप संतुष्ट नहीं है, यानी आपको किसी भी प्रकार का संतोषजनक उससे उत्तर नहीं मिलता है या उससे रिप्लाई नहीं मिलता है, तो आपको एक नया अधिकार मिलता है, राइट टू अपील, यानी अपील करने के अधिकार। इस सेक्शन 90 के अंतर्गत आप उस अधिकारी से वरिष्ठ अधिकारी के पास, देखिए APIO का वरिष्ठ अधिकारी कौन होगा, PIO, तो उस अधिकारी के वरिष्ठ अधिकारी के पास आप अपील कर सकते हैं। ये बोलता है आपका सेक्शन 90। सेक्शन 90 के अंतर्गत यदि आप उस अधिकारी के द्वारा लिए गए निर्णय से संतुष्ट नहीं है या आपको संतोषजनक आपको उत्तर नहीं मिल रहा है, तो आप उस श्रेणी के वरिष्ठ अधिकारी के पास आप अपील कर सकते हैं। यह है आपका सेक्शन 19। ठीक, देखिए तो APIO से ने आपका फाइल रिजेक्ट कर दिया 7 दिन में और रिप्लाई नहीं किया 35 दिन तक, तो दोनों में से जो पहले हो, मान लो आपका 7 दिन में उसने रिजेक्ट कर दिया है, ठीक 7 दिन बाद ही उसने आपके RTI को रिजेक्ट कर दिया, तो देखिए रिजेक्ट किए जाने के 30 दिन के भीतर, आपको PIO के पास आप अपील कर सकते हैं। ये कहलाता है प्रथम अपील। ठीक, APIO ने आपके फाइल को रिजेक्ट कर दिया या उसने 35 दिन तक आपके RTI का जवाब ही नहीं दिया, जो आपने RTI फाइल किया था उसका रिप्लाई ही नहीं किया, तो रिजेक्ट किए जाने के या रिप्लाई की जो सीमा है 35 दिन, उसके निकल जाने के बाद आप उस तिथि के समाप्त होने के अगले 30 दिन के भीतर आप PIO के पास अपील कर सकते हैं। ये कहलाता है आपका प्रथम अपील। 30 दिन के भीतर या 15 दिन का पर्याप्त कारण के साथ, यानी मान लीजिए 30 दिन का समय निकल गया, आप किसी कारण से किसी शादी के फंक्शन में फंस गए या आपका तबीयत खराब है, तो एक क्या बोल रहा है इसमें पर्याप्त कारण 15 दिन। देखिए 30 दिन के भीतर तो आप अप्लाई कर सकते हैं, नॉर्मली जाकर के आप सीधा वहां पे अपील कर सकते हैं PIO के पास, लेकिन मान लीजिए 30 दिन के अंदर आप नहीं गए, तो आपको 15 दिन का अतिरिक्त समय भी दिया जाता है। उस 15 दिन का अतिरिक्त समय में आपको पर्टिकुलर एक पर्याप्त कारण, सफिशियंट रीजन, पर्याप्त कारण के साथ आपको अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक, देखिए अपील करने के साथ साथ आपको ₹50 का शुल्क का भी भुगतान करना पड़ेगा। अप्लाई करने के साथ साथ आपको ₹50 का शुल्क भी भुगतान करना पड़ेगा प्रथम अपील में। प्रथम अपील जो कि आपके रिजेक्ट होने या समय सीमा गुजर जाने के 30 दिन के भीतर तथा पर्याप्त कारणों के साथ अतिरिक्त 15 दिन के साथ आप अपील कर सकते हैं, जिसमें आपको अपील शुल्क चुकाना पड़ेगा ₹50। ठीक, यानी यदि आपसे प्रश्न पूछा कि प्रथम अपील कितने दिन के भीतर की जाएगी, 30 दिन के भीतर। प्रथम अपील किए जाने की अधिकतम सीमा क्या है, अधिकतम सीमा पूछ रहा है, तो 30 + 15 कितना होता है 45 दिन, याद रखिएगा। अब देखिए, अब मान लीजिए आपको जो PIO है, PIO से भी आपको सफिशियंट मतलब संतोषजनक आंसर नहीं मिला है ना, आप इसके भी जो इसने जो निर्णय लिया या इसने भी जो आपको आंसर दिया उससे भी आप संतुष्ट नहीं हैं, तो उस कंडीशन में आप इसके वरिष्ठ अधिकारी, इसका वरिष्ठ अधिकारी कौन होता है, IC मींस इंफॉर्मेशन कमीशन, यानी सूचना आयोग दोनों हो सकते हैं, केंद्रीय सूचना आयोग भी हो सकता है और आपका राज्य सूचना आयोग भी हो सकता है, तो आप अब अपील कर सकते हैं किसके पास, ये होगा आपका सूचना आयोग, ये कहलाएगा आपका द्वितीय अपील। ठीक, द्वितीय अपील PIO के द्वारा आपके एप्लीकेशन को रिजेक्ट किए जाने के बाद या इसने रिप्लाई नहीं किया, PIO के केस में हमने क्या पढ़ा था 30 दिन मैक्सिमम, 30 दिन के भीतर आपको PIO जवाब दे देता है, लेकिन 30 दिन की समय सीमा भी गुजर गई या PIO ने आपके जो RTI फाइल जो आपने किया था या आपने जो अपील किया है उसे रिजेक्ट कर दिया, तो उस केस में आप अपील कर सकते हैं इंफॉर्मेशन कमीशन यानी सूचना आयोग के पास। ठीक, तो सूचना आयोग रिजेक्ट किए जाने के या समय सीमा गुजर जाने के 90 दिन के भीतर, याद रखिएगा का कितने दिन, 90 दिन के भीतर आपको अप्लाई करना है, यानी द्वितीय अपील आपके 90 दिन के भीतर, प्रथम अपील किए जाने का जो समय सीमा यदि गुजर गया उसके 90 दिन के भीतर आपको द्वितीय अपील कर सकते हैं
इसमें पर्याप्त कारण, देखिए 90 दिन की समय सीमा भी यदि गुजर गई, जैसे वही रीजन आपका तबीयत खराब है या किसी फंक्शन में अटेंड करने चले गए या आप भूल गए, तो इसमें क्या है 90 दिन की भी ये समय सीमा गुजर गई तो आप इसमें भी पर्याप्त कारणों के साथ अपील कर सकते हैं, इसकी कोई समय सीमा नहीं है। देखिए इसमें क्या है, 15 दिन की अतिरिक्त समय सीमा है, इसमें कोई समय सीमा नहीं है, बस आपको पर्याप्त कारण देना पड़ेगा। यानी PIO, देखिए PIO 45 दिन, 30 प्लस 15, 45 दिन के बाद PIO आपकी किसी भी प्रकार से मदद नहीं कर सकता। यानी आप अप्लाई करना चाह रहे हैं, APIO ने आपका रिजेक्ट कर दिया तो आप अप्लाई किए PIO के पास, PIO मैक्सिमम 45 दिन तक आपकी मदद कर सकता है, लेकिन 45 दिन की समय सीमा गुजर गई तो PIO आपकी मदद नहीं कर सकता। लेकिन जो आपके इन्फॉर्मेशन कमीशन है या जो आपने द्वितीय अपील किया है, तो द्वितीय अपील के केस में आपको 90 दिन की समय सीमा दी जाती है द्वितीय अपील के लिए, साथ ही साथ आप 90 दिन के बाद भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इसमें आपको पर्याप्त कारण देना पड़ेगा और पर्याप्त कारण के लिए कोई सीमा नहीं है, आप कभी भी जाके अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, इसके साथ साथ आपको अपील करने के लिए एक शुल्क भी चुकाना पड़ेगा जो है आपका 100 रुपये। 100 रुपये की अपील शुल्क के साथ आप द्वितीय अपील कर सकते हैं। ठीक, तो इतना याद रखिएगा, एक व्यक्ति है जिसने RTI फाइल किया, PIO के पास किया, PIO ने या तो आपको रिप्लाई नहीं किया या तो आपके जो RTI फाइल है उसे रिजेक्ट कर दिया। इस कंडीशन में आप रिजेक्ट किए जाने के या समय सीमा गुजर जाने के 30 दिन के भीतर तथा 15 दिन के अतिरिक्त समय के साथ पर्याप्त कारण के साथ आप अपील कर सकते हैं PIO के पास, यानी पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर के पास। अब पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर के द्वारा लिए गए निर्णय या उसके द्वारा दिए गए आंसर से भी आप संतुष्ट नहीं हैं तो आप द्वितीय अपील कर सकते हैं, जो कि आपके 90 दिन के भीतर प्लस पर्याप्त कारणों के साथ, जिसकी कोई सीमा नहीं है, तो आप उसे द्वितीय अपील कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन कमीशन यानी सूचना आयोग के पास। ठीक, देखिए अब नेक्स्ट है आपका धारा 20। धारा 20 क्या है, शास्ति या पेनल्टी। देखिए क्या कहा गया है, PIO जवाब देगा आपका 30 दिन के भीतर, APIO जवाब देगा आपका 35 दिन के भीतर। अगर किसी के जीवन से संबंधित आपका कोई सूचना आप चाहते हैं तो वो होगा आपके 48 घंटे के भीतर, और एक आता है आपका थर्ड पार्टी जिसका जवाब मिलता है आपको 40 दिन के भीतर। ठीक, लेकिन मान लीजिए आपने RTI फाइल किया और आपको इस निर्धारित समय सीमा के भीतर यदि आपको जवाब नहीं मिला तो उस कंडीशन पर पेनल्टी लगती है आपके PIO और APIO को। ठीक, पेनल्टी लगती है यदि उन्होंने दिए गए समय सीमा के भीतर आपको जवाब नहीं दिया, तो समय सीमा गुजर जाने के बाद जितना भी अतिरिक्त दिन वो आपको जवाब देने में लगाएंगे तो उस अतिरिक्त दिन का उन्हें पेनल्टी पे करना पड़ेगा। अब सवाल ये उठता है कि किस कंडीशन में उन्हें पेनल्टी पे करना पड़ेगा और कितना पेनल्टी उन्हें पे करना पड़ेगा। देखिए आपने एप्लीकेशन दिया, अब एप्लीकेशन PIO या APIO ने आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया। देखिए नॉर्मली यदि उसने एप्लीकेशन रिजेक्ट किया और रिजेक्ट के साथ आपका एक कारण बता दिया, मान लीजिए उसने कारण बताया कि आप जो भी सूचना चाह रहे हैं वो हमारे देश की अखंडता से संबंधित है, सामरिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, जैसे राफेल डील, हमने फ्रांस के साथ, मतलब भारत ने फ्रांस के साथ एक डील किया है और एक सिग्नेचर किया है, एक कॉन्फिडेंशियल एग्रीमेंट किया है कि हम इसके जो प्राइस है राफेल के उसको हम किसी के साथ भी शेयर नहीं करेंगे, तो एक पर्टिकुलर रीजन के साथ आपको वो आपके एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर सकता है। लेकिन मान लीजिए उसने आपके एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया बिना कोई रीजन दिए या बिना किसी कारण के, आपको कारण ही नहीं बताया कि मैंने आपके फाइल को क्यों रिजेक्ट किया है। ठीक, दूसरा उसने आपके जो आपने RTI फाइल किया है, जो आपने RTI के लिए एप्लीकेशन दिया है, उस एप्लीकेशन को उसने एक्सेप्ट ही नहीं किया। तीसरा, एक्सेप्ट तो कर लिया लेकिन इनकम्प्लीट और रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दे रहा है, यानी जो आपने RTI फाइल किया है, RTI फाइल को उसने एक्सेप्ट तो कर लिया, आपके RTI की एप्लीकेशन को एक्सेप्ट तो कर लिया, लेकिन उससे संबंधित जो वो सूचना दे रहा है वो अधूरी सूचना दे रहा है या गलत उससे संबंधित जानकारी दे रहा है। ठीक, ऑब्स्ट्रैक्ट द फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन, यानी वो खुद भी सूचना नहीं दे रहा है और अपने से नीचे वाले अधिकारियों को भी सूचना, यानी दूसरों को भी सूचना देने से आपको रोक रहा है। ठीक,
है, यानी दूसरों को सूचना देने से उन्हें रोक रहा है। ठीक, तो ये होता है आपके ऑब्स्ट्रक्ट फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट है आपका डिस्ट्रॉय इंफॉर्मेशन। मान लीजिए कोई एक फ्लॉपी या कोई डिस्क में आपके जो आप सूचना मांग रहे हैं वो फ्लॉपी और डिस्क में मौजूद है और उसने तोड़ दिया, यानी जो आपको सूचना आपको भेजी जा रही थी उसे उसने तोड़ दिया, तो उस कंडीशन में भी उसे पेनल्टी पे करना पड़ेगा। अब पेनल्टी कितना लगेगा ये देखिए, पेनल्टी लगेगा उसे 250 रुपये प्रतिदिन, 250 रुपये प्रतिदिन। देखिए पीआईओ 30 दिन के भीतर उसे रिप्लाई करना होता है। मान लीजिए उसने 30 दिन में रिप्लाई ना करके रिप्लाई किया कितने दिन में, 40 दिन में, यानी उसने 10 दिन का अतिरिक्त समय लिया, तो 10 दिन का अतिरिक्त शुल्क कितना, यानी उसको पेनल्टी कितनी लगेगी, 250 मल्टीप्लाई बाय 10, यानी 2500 रुपये की उसे पेनल्टी लगेगी क्योंकि उसने एक्स्ट्रा दिन लिया है आपको जवाब देने के लिए। अब देखिए ऐसा नहीं है कि पेनल्टी की कोई सीमा नहीं है, मैक्सिमम जो पेनल्टी वो पे करेगा वो होगा आपका 25,000 रुपये। 25,000 रुपये मतलब मैक्सिमम यदि उसने 100 दिन तक जवाब नहीं दिया है, 250 मल्टीप्लाई बाय 100 यानी 25,000 रुपये, यानी उसने मैक्सिमम 100 दिन तक आपको रिप्लाई किया ही नहीं, मतलब उसने ना ही रिप्लाई किया और ना ही आप अपील के लिए गए। ठीक, 30 दिन की उसकी सीमा है, 30 दिन के बाद यदि उसने अगले 100 दिन तक भी आपको रिप्लाई नहीं किया तो उस पर पेनल्टी लगेगी कितनी, 25,000 रुपये। 25,000 रुपये से ज़्यादा की पेनल्टी नहीं लगेगी। मान लीजिए उसने 30 दिन के बाद अगले 200 दिन तक आपको जवाब नहीं दिया तो ऐसा नहीं कि 200 दिन की पेनल्टी लगेगी, उसे केवल 100 दिन की पेनल्टी 25,000 रुपये लगेगी, 100 दिन के बाद उसे किसी भी प्रकार की उसे भी पेनल्टी नहीं लगेगी। ठीक है, तो याद रखिएगा पेनल्टी पीआईओ और एपीआईओ के द्वारा समय सीमा के भीतर जवाब नहीं दिए जाने पर उन्हें पेनल्टी देना पड़ता है। पेनल्टी कितना है, 250 रुपये प्रतिदिन, मैक्सिमम 100 दिन तक उन्हें पेनल्टी लग सकती है, यानी 25,000 रुपये की इसकी अधिकतम पेनल्टी की सीमा है, कारण इधर दिए गए हैं। ठीक, अब देखिए धारा 23 क्या है। धारा 23 बोलता है कि कोई भी न्यायालय, इसे समझिएगा क्या लिखा है, कोई भी न्यायालय इस अधिनियम के अधीन किए गए आदेश के संबंध में कोई भी वाद आवेदन कार्यवाही ग्रहण नहीं कर सकता। मान लीजिए जो आपके पीआईओ ने या एपीआईओ ने या आईसी ने यानी इंफॉर्मेशन कमीशन ने जो निर्णय लिया है या जो आदेश दिया है, मतलब आपके फाइल को रिजेक्ट कर दिया विद कारण दे दिया, उसका एक पर्टिकुलर रीज़न दे दिया, तो आप इनके द्वारा दिए गए आदेश या इनके द्वारा लिए गए निर्णय को आप कुछ किसी भी न्यायालय में चैलेंज नहीं कर सकते। किसी भी न्यायालय में आप सूचना के अधिकारी या सूचना आयोग के द्वारा लिए गए निर्णय को आप किसी भी न्यायालय में चैलेंज नहीं कर सकते, ना ही सुप्रीम कोर्ट, ना ही हाई कोर्ट, ना ही डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ना ही सेशन कोर्ट। ठीक, सेक्शन 23 क्या बोलता है, सेक्शन 23 बोलता है कि कोई भी न्यायालय इस अधिनियम के अधीन किए गए आदेश के संबंध में कोई भी वाद आवेदन या कार्यवाही ग्रहण नहीं करेगा। ठीक, वाद आवेदन या कार्यवाही ग्रहण नहीं करेगा, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक, सेक्शन नंबर 23 यानी कोई भी न्यायालय इस अधिनियम के अंतर्गत लिए गए निर्णय या आदेश के संबंध में वाद आवेदन या कार्यवाही ग्रहण नहीं करेगा। ठीक, तो यहाँ तो आपका सूचना का अधिकार अधिनियम यही समाप्त होता है। कुछ उपधाराएं बची हुई थी उसे समझिएगा, ये है आपका सेक्शन 2 धारा 2, हमने इसे कवर नहीं किया है, इसे थोड़ा समझ लीजिए। धारा 2 में इस सूचना के अधिकार अधिनियम में जो जो वर्ड यूज हुए हैं, जैसे केंद्रीय सूचना आयोग, लोक सूचना अधिकारी, सूचना, सूचना का अधिकार अधिनियम, इस सभी के सभी वर्डिंग के आपके इसकी परिभाषा दी गई है यानी डेफिनेशन दी गई है, यानी जैसे सूचना, तो किस किस चीज़ों को सूचना के अंतर्गत शामिल किया गया है, सूचना का अधिकार अधिनियम की परिभाषा क्या होगी, केंद्रीय सूचना आयोग की परिभाषा क्या होगी, यानी इनका डेफिनेशन बताया गया है इस धारा 2 के अंतर्गत। धारा 2 जिसका टाइटल ही है आपकी परिभाषाएं, देखिए सेक्शन 2A यानी धारा 2A, देखिए हिंदी में जो पढ़ रहे हैं उसे हिंदी में ना पढ़ करके आप इंग्लिश में पढ़िएगा। ये जो सेक्शन है देखिए हिंदी में क्या लिखा हुआ है, दो क, दो ख, दो घ, दो अंग, दो च, ये सब चीज़ ऐसे पढ़ने जाएंगे तो भूल जाएंगे, इसे ऐसे ही याद कीजिएगा, 2A, 2B, 2F, 2H ऐसे करके याद रखिएगा,
आसानी से आपसे बन जाएंगे। वैसे भी आपके जो सीएमओ का एग्जाम है हिंदी इंग्लिश दोनों में आएगा। देखिए सेक्शन नंबर 2A जिसमें बताया गया है आपके समुचित सरकार के बारे में, समुचित सरकार जिसके सेक्शन 2A1 में आपके केंद्र सरकार की परिभाषा दी गई है, जबकि सेक्शन 2A2 में आपके राज्य सरकार की परिभाषा दी गई है। यानी सूचना के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत केंद्र सरकार की क्या परिभाषा होगी, राज्य सरकार की क्या परिभाषा होगी, ये बताया गया आपके सेक्शन 2A में। सेक्शन 2B में जिसमें आपका केंद्रीय सूचना आयोग की परिभाषा बताई गई है। ठीक, सेक्शन 2F ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा, ये पिछले बार सीएमओ में आया भी है। सूचना, किसे सूचना कहा जाएगा, यानी हम इतना पढ़ रहे हैं कि सूचना का अधिकार अधिनियम, सूचना के लिए हम फाइल कर रहे हैं, सूचना के लिए RTI कर रहे हैं, तो आपके सेक्शन 2F में बताया गया है कि किन चीज़ों को सूचना के अंतर्गत शामिल किया गया है। ठीक, सेक्शन 2H को हम पहले ही पढ़ चुके हैं, हमारे पहले लेक्चर में देखे हैं हम। 2H क्या है, ये डील करता है आपके पब्लिक अथॉरिटी से। पब्लिक अथॉरिटी मतलब जो सरकारी संस्थान है वो, कुछ गैर सरकारी संस्था यानी NGO नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जो आपके सरकार द्वारा ही वित्त पोषित होती है, यानी सरकार उन्हें फंड प्रोवाइड करती हो, NGO, कुछ प्राइवेट सेक्टर जिस पे आपका गवर्नमेंट का कुछ ना कुछ नियंत्रण प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, यानी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उनका कंट्रोल होता है कुछ प्राइवेट सेक्टर की कंपनी पर, वो सारे के सारे चीज़ें आपके पब्लिक अथॉरिटी के अंतर्गत आती है और उन सारे के अगेंस्ट आप RTI फाइल कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद है आपका सेक्शन 2I के अंतर्गत आपका सूचना का अधिकार, ये जो आपका अधिनियम ही है, ये पूरा का पूरा सूचना का अधिकार, इसकी परिभाषा दी गई है। जबकि सेक्शन 2K के अंतर्गत आपका राज्य सूचना आयोग की परिभाषा दी गई है। ये पूरा का पूरा आपका जो सेक्शन 2 है ये परिभाषाओं से डील करता है। वैसे मैंने 2A से लेकर के 2M तक और भी उपधाराएं हैं वो PDF मैंने डाल दिया है। साथ ही साथ जो हमारा सेक्शन नंबर जो 13 है ना, सेक्शन नंबर 12, 13 और सेक्शन नंबर 16, इसमें भी कुछ थोड़ा ज़्यादा नहीं, 2-3 ठोक आपके उपधाराएं हैं, वो सारे के सारे चीज़ें मैंने PDF में बता दिया है। देखिए जितनी भी चीज़ें हमने अभी ये 3 वीडियो में कवर किया है, उम्मीद है कि प्रश्न इससे बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि सूचना का अधिकार अधिनियम इतना बड़ा टॉपिक भी नहीं है। ठीक, तो ये जो PDF मैंने प्रोवाइड कराया है, वो जो हमने लेक्चर किया है वो, तो उतने में आपका ये पूरा का पूरा सूचना का अधिकार अधिनियम के क्वेश्चन आपसे अटेम्प्ट हो जाएंगे। 95% चांस है कि क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएंगे, 5% की तो मैं अभी गारंटी नहीं ले सकता, क्योंकि इसमें बहुत से सेक्शन ऐसे हैं जिसकी कुछ उपधाराएं भी है, जैसे सेक्शन 2A, 2B, सेक्शन 2A1 है ना। तो अगर इस प्रकार से यदि प्रश्न घुमाया तो उसकी तो मैं उसको मैं बताना भी नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि उसको यदि मैं बताने गया तो चीज़ें और लेंदी हो जाएगी। ईजी तरीके से पढ़िए, आसान शब्दों में पढ़िए, चीज़ें ज़्यादा समय तक आपको याद रहेगी। ठीक, तो आज का जो वीडियो है, आज का जो हमारा टॉपिक है, यहीं समाप्त करते हैं। किसी प्रकार का डाउट हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।